हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज यह वीडियो है 24 अप्रैल 2019 की करंट अफेयर वीडियो। तो उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुमाऊं की पहली डीएनए जांच प्रयोगशाला कहाँ बनेगी? तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में कुमाऊं की पहली डीएनए जांच प्रयोगशाला बनेगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन को अभी डीएनए जांच के लिए देहरादून जाना पड़ता है और वहां पे आपका फॉरेंसिक लैब भी है और डीएनए जांच भी वहीं पे है, लेकिन कुमाऊं में रुद्रपुर में फॉरेंसिक लैब तो है लेकिन यहाँ पर जो डीएनए जाँच है वह पहली बार बनेगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, टेनिस में सबसे अधिक हिट लगाकर अपना नाम दोहरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का दावा किसने पेश किया है? तो यह हैं देहरादून के शौर्य सिंह। अभी हालांकि उन्होंने दावा पेश किया है लेकिन जहां तक है उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये तो दोस्तों आज के हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर थे। उत्तराखंड करंट अफेयर वैसे ही बहुत कम होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकें, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वह मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आता हूँ। तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कि हम ऐसे और कहां से आपका जो न्यूज़ है वो कहां से लेके आए। तो अब हमारा अगला जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। पहला जो प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी औद्योगिक दुर्घटना 20वीं शताब्दी की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में सूचीबद्ध है? तो यह है भोपाल गैस त्रासदी 1984। इससे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं तो आपको एक बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। हालांकि आपको यह पता होगा, आप इसको याद कर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, किस देश द्वारा रामायण पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भारत और इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपका क्या किया है, रामायण पर डाक टिकट जारी किया है। इसको बनाने वाले इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री बपक न्योमन नुआरता जी हैं। इस डाक टिकट में रामायण की जो घटना है वो आपका जब जटायु रावण से लड़ रहे थे उसका जो चित्रण है उसको वहाँ पर दिखाया गया है, उस डाक टिकट में बनाया गया है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक किया है। उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को 12-7 से हराया। अब हमारा चौथा प्रश्न, किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो यह है आपका 24 अप्रैल। यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह कौन से संशोधन में है? यह 73वां संशोधन है। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हमारा पांचवा प्रश्न, बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है, आहना कुमार। ये हमारे पांच प्रश्न थे। छठा प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, किस आईटी कंपनी ने भारतीय डाक के साथ डाक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS जिसको हम बोलते हैं। तो इसने क्या हुआ है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसका भारतीय डाक के जो आपके 1.5 डाकघर हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। तो दोस्तों यह तो हमारे आज के करंट अफेयर थे। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड के करंट अफेयर आज कम थे तो मैं आप मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिए कि इसकी जो ये प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर की जाए। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।